असलम वीयर्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं अतफ़ नाजिम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप फिक्सर की वीडियो एक तो ये अफोर्डेबल है दूसरा इसके यूजेस क्या हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी तो ये मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर है प्रोफेशनल मेकअप मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप का मेकअप फिक्सर स्प्रे है ठीक है आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मेकअप फिक्सर स्प्रे बताएं तो इकनॉमिकल है इसकी प्राइस भी तो चलेंगे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो ये फिक्सर स्प्रे जी कुछ ऐसा है बॉटल बहुत खूबसूरत है और मिस रोज कंपनी है और जी ये एलोवेरा विद वाइटामिन ई e है ठीक है एलोवेरा जो है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है वाइटामिन ई e जो है वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है तो ये एक मिक्सचर है जो तमाम स्किन के लिए यूज़ हो सकता है अच्छा अब ये जो मेकअप फिक्सर है ये काम क्या करता है ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना तो मेकअप फिक्सर स्प्रे जो है वो आपके मेकअप को आ, फिक्स करता है जब आपने बहुत ज़्यादा ग्लिटरी शिमरी मेकअप किया हुआ हो तो मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ करें तो बड़ा बेस्ट रहता है ठीक है और नॉर्मल अगर आपने मैट मेकअप किया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करें अच्छा जी जिनकी ऑयली स्किन है और उनको पता है कि उनका मेकअप जो है वो ख़राब हो जाता है कुछ देर तक तो वो मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ करेंगे तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े देर तक रहेंगे यानी मेकअप जो है वो ज़्यादा देर स्टे करेगा गर्मियों में मेकअप फिक्सर स्प्रे जो है बहुत अच्छा काम करता है ये तो हो गई जी इसके बेनिफिट्स दूसरा ये वर्क कैसे करता है ये वर्क ऐसे करता है कि ये आपकी स्किन पे एकदम से आपको वेट वेट सा फ़ील होता है लेकिन बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है ये ज़्यादा देर आपके इनको वेट नहीं रखता या मॉइस्चराइज नहीं करता मॉइस्चर तो देता ही है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और आपके मेकअप को फिक्स करता है ठीक है तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये लगाएंगे तो ऑयल ऑयल आ जाएगा आपके फेस पे या मेकअप सारा खराब हो जाएगा अभी मैं आप लोगों को अब लगा के भी दिखाती हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को प्राइस इसकी बता दू इसकी प्राइस जो है नॉर्मली फाइव तक होती है और लेकिन अभी मैं इनकी वेबसाइट विजिट कर रही थी वहां पे लगी हुई है जी सेल अगर आप वहां से परचेज करना चाहें तो वहां पे ये 450 का भी मिल रहा है और बाहर भी अगर आप पता करेंगे तो शायद इतने तक में आपको मिल जाए वैसे फाइव की 550 तक में आपको ये इजीली मिल जाएगा ठीक है तो प्राइस जो है वो इतनी कंफर्म नहीं है लेकिन आ, मैंने अभी देखा है कि इनकी वेबसाइट पे सेल लगी हुई है अगर आप लोग वहां से परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर आप शॉप्स पे जाके इसको परचेज करना चाहते हैं तो वहां पे भी परचेज कर लें वहां पर भी आपको डिस्काउंट कर देते हैं थोड़ा बहुत तो ये हो गया अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है जी अगर आप मिस रोज का ब्रांड पसंद करते हैं तो आप ये फिक्सर जो है वो परचेज कर सकते हैं ठीक है मैं बाकी ब्रांड्स बात नहीं कर रही और भी बहुत अच्छे अच्छे फिक्सर्स हैं यह जरूरी नहीं है कि आप मिस रोज का ही फिक्सर लें तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मिस रोज का फिक्सर ले लें अदरवाइज और ब्रांड्स की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को और भी सारी गाइडलाइन दे दूंगी अच्छा जी अब मैं आप लोगों को इसको एक और टिप दूं जो बहुत ज़रूरी है कि आपने कभी भी फेस के करीब रख के फिक्सर स्प्रे नहीं करना इसको आपने तकरीबन एक फ़ुट के फासले से फेस पे स्प्रे करना होता है डायरेक्ट फेस पे नहीं करना वरना मेकअप जो है ना ये उड़ा के रख देगा तो आपने इसको वन तकरीबन एक फुट के फासले से रख के और अपने फेस पे स्प्रे करना है तीन से चार स्प्रे जो है वो पूरे फेस के लिए काफ़ी होते हैं तो ये जी काम होता है फिक्सर का लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं अदरवाइज मैं और ब्रांड्स भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगी इंशाल्लाह जैसे मिस रोज को किया है मिस रोज जो है आप लोगों का बड़ा फेवरेट और अफोर्डेबल ब्रांड है इसलिए मैंने सबसे पहले मिस रोज का आपके साथ रिव्यू किया है तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़